नमस्कार दोस्तों मैं दिलीप कुमार दोस्तों अभी की एक बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है डिजिटल में कुछ खबरें चली है ऑनलाइन अखबारों ने इस खबर को चलाया है कि बी पी एस एस दरोगा बहाली पीटी परीक्षा का आंसर की जारी करेगी तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक खुशी की खबर है क्योंकि लाखों छात्र छात्राएं ये चाहते थे कि पारदर्शिता लाई जाए और हम लोगों ने लगातार इसके लिए आवाज उठाई लगातार आंदोलन किया और चौबीस सौ छियालीस दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ जो हम लोगों ने आंदोलन किया उस समय भी हम लोगों ने पारदर्शिता की मांग की थी और इसके लिए हम लोगों को लाठिया खानी पड़ी सड़क पर जेल तक भेजा गया लेकिन आज जब पारदर्शिता लाने की जो मांगे थी उसमें से एक मांग को अगर मान ली जाती है तो थोड़ी सी खुशी जरूर है लेकिन पूरी खुशी अभी भी हम लोग को नहीं है हम लोग को पूरी खुशी तब होगी जब पारदर्शिता के लिए तमाम सभी उपाय किए जाएंगे और सभी मांगों को माना जाएगा जैसा कि हम लोग का डिमांड लगातार रहा है पारदर्शिता लाने के लिए कि ओ एम की कार्बन कॉपी या छाया प्रति और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए पीटी मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम हो और गृह जिला में सेंटर नहीं दिया जाए गिर जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए लेकिन बीपीएसएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक गिरिह जिला में ही सेंटर दे दिया ओ एम की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया लेकिन अब आंसर की जारी करने की बात कही जा रही है तो कम से कम चलिए यह एक अच्छी खबर है और इसके लिए हम बीपीएसएससी को धन्यवाद भी देते हैं लेकिन साथ ही हम भी मांग कर रहे हैं कि बाकी जो डिमांड है हम लोग का उस डिमांड पे आप विचार कीजिए और सबको लागू कीजिए अब चूंकि की पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो अब सेंटर की बात तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन सीट और क्वेश्चन आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं जिस तरह से आंसर की ऑनलाइन जारी होगा उसी तरह से आप क्वेश्चन और वो एम आर सीट परीक्षार्थियों का आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए और पीटी मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए तो ये इन सभी डिमांडों को आपको लागू करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप अंदर से धांधली कर रहे हैं महा धांधली कर रहे हैं और जिस तरह से चौबीस सौ दरोगा बहाली में महा धांधली की गई गुंडागर्दी की गई अगर इस बाईस सौ तेरह दरोगा बहाली में आप सोचिएगा कि इस तरह से करें तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पारदर्शिता के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे सभी डिमांड को आपको मानना होगा नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और अगर आप ईमानदार हैं अगर बीपीएससी ईमानदार है अगर बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी ईमानदार हैं, और दरोगा का सीट पच्चीस लाख लेके नहीं बेच रहे हैं मांधांधरी नहीं कर रहे हैं बाईस दरोगा बहाली में तो इन सभी मांगों को आपको मान लेना चाहिए और अगर आप पारदर्शिता लाने के लिए सभी मांगों को आप नहीं मानते हैं तो इसका मतलब होगा कि चौबीस सौ छियालीस दरोगा बहाली की तरह आप बाईस सौ तेरह दरोगा बहाली में भी महाधांधलित करने जा रहे हैं और पच्चीस लाख रुपया लेकर दरोगा का सीट बेचने जा रहे हैं जिसको इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सबसे बड़ा डिमांड जो हम लोग का है परीक्षार्थियों का जो सबसे बड़ा डिमांड है ओ एम आर सीट ओ एम आर सीट क्योंकि आरटीआई से भी आप ओ एम आर सीट उपलब्ध नहीं कराते हैं उपलब्ध नहीं कराते हैं तो परीक्षार्थियों का जो सबसे बड़ा डिमांड है ओ एमआर सीट और मार्क्स रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी हो कटअप के साथ साथ और सीट जारी हो तो आप अभी आंसर की जारी कर रहे हैं तो सीट भी जारी कर दीजिए ओ एम ऑनलाइन जारी कीजिए क्वेश्चन ऑनलाइन जारी कर दीजिए इसमें क्या आपत्ति है आपको आखिर ओ एमआर अगर आप जारी कर देते हैं तो इससे कौन सा खतरा हो जाएगा कौन सी सुरक्षा को खतरा है कोई खतरा नहीं होगा और हम लोग लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं चौबीस सौ छियालीस दर होगा बाहरी बाईस दिसंबर दो हजार उन्नीस को थी और छब्बीस दिसंबर दो हजार उन्नीस से हम लोग आंदोलन पटना में कर रहे थे तो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सात दिसंबर को भी हमने लेटर लिखा था बीपीएसएससी को हमने सात दिसंबर को भी लेटर लिखा था पारदर्शिता लाने के लिए इन सभी डिमांडों को लेकर लेकिन बीपीएसएससी ने कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए, तो मार्क्स भी आप रिजल्ट प्रकाशन के साथ जारी कीजिएगा और आप तमाम परीक्षार्थियों को बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को इस बात के लिए हम अं धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई हमारे साथ जो आंदोलन में हमारे साथ आए हमारा साथ दिया और छात्र आंदोलन में जो एकजुटता आप लोगों ने लगातार दिखाई उसका असर हुआ छात्र आंदोलन की एक जीत है ये एक छोटी सी जीत है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये शुरुआत है आप लोग एकजुट रहिए साथ दीजिए देखिए हर चीज होगा परीक्षार्थियों के बिहार के छात्र छात्राओं के हक में हर चीज होगा हर चीज़ वो हम लागू करवाएंगे जो बिहार के छात्र छात्राओं के अधिकार और हक की बात है जहां भी बिहार के छात्र छात्राओं के हक के और अधिकार के साथ अन्याय होगा वहां उठ खड़े होंगे बस आप लोग एकजुट रहिए और साथ दीजिए और देखिए जो पारदर्शिता लाने के लिए जो और भी जो डिमांड है उन सभी डिमांडों को पूरा करवाएंगे बस आप लोग हमारा साथ दीजिए जिस तरह से अभी तक एकजुटता दिखाई वही एकजुटता आगे भी दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का डिमांड आप लोग सोशल साइट के माध्यम से भी कीजिए कि जो और भी डिमांड है हम लोग को पारदर्शिता लाने के लिए उन सभी डिमांड को बीपीएसएससी पूरा करे अन्यथा हम लोग फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे तो आप लोग एकजुट रहिए और एक एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहिए पढ़ाई भी करते रहिए और सोशल साइट्स के माध्यम से आवाज भी उठाते रहिए धन्यवाद जय हिंद